चाहिए। इस आदमी के साथ बैठे रहो बस, और मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज उदित गुप्ता एंड आज है 8th of Feb 2021 और आज के दिन अब हम पहली बार कॉलेज जाएंगे। एज कॉलेज अब तक गए नहीं, वैसे ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह चल रही थी। फर्स्ट सेम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका और हम एक बार भी पढ़ने के लिए तो कॉलेज गए नहीं, बट सेकेंड सेम के अभी फर्स्ट वीक जो है हमारा ख़त्म हो गया और सेकेंड वीक आज से शुरू हुआ है सेकेंड सेम का। और दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर कॉलेज डे ऑफिशियली, जो ऑफलाइन चलेगी क्लासेस आज से। तो देखते हैं आज कैसा रहता है कॉलेज का पहला दिन। इतनी देर से बैठे थे हम और इंतज़ार कर रहे थे सारे के सारे, क्या नाम है भाई तेरा? मेरा अभिषेक। और एक हमारा ये मेरा उदय। तो हम 8 बजे से वेट कर रहे थे कि अब आएगी बस, अब आएगी, लेकिन 11 बजे आई है बस। और तब से हम बस बैठे ही थे, वेट करते रहते, अब आएगी और आ गई फाइनली 11 बजे। अभी तक तो हम यहीं पे घूम रहे हैं, पता नहीं यहाँ से कितनी देर हम यहाँ से निकलेंगे टोंक से अब, और कितनी देर में पूछेंगे। अभी सर का मैसेज आता है कि ज्वाइन द क्लास, तो सर हम ज्वाइन कहाँ से करें, हम लोग पहुँचे ही नहीं अभी तक तो बस, आपने अब भेजी है यहाँ पे, ज्वाइन कहाँ से करेंगे हम क्लास। तो पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली आफ्टर 1.5 आवर्स हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। क्यों उदय, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही बेकार। 1.5 घंटा लगा भाई यहाँ से वहाँ पे आने में। कैंटीन किधर है? सो अभी मैं क्लास में आ गया और क्लास बिल्कुल खाली है, गूंज रही है मेरी खुद की आवाज़ बस यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है और मैं अकेला हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में 2 बच्चे और आए थे सुबह, लेकिन वो दोनों चले गए, आई डोंट नो द रीज़न। लेकिन टीचर से बात हुई तो वो बोले कि अभी 2 बच्चे और आए थे लेकिन वो दोनों चले गए, अभी है नहीं यहाँ पे। और क्या पता इधर ही हो तो बाहर घूम रहे हो तो उसका पता नहीं, लेकिन आसपास तो कहीं पे भी नहीं है। तो बस यही था, अभी क्लास है नहीं और जो क्लास थी वो कैंसिल हो चुकी, जो हमारा टाइम टेबल है वो चेंज होगा और चेंज करके फिर पता चलेगा कि कौन सी क्लास है। नेक्स्ट क्लास है हमारी, लेकिन उसका पर देखो कितनी देर में वो सर आ जाएंगे जब भी क्लास होगी तब। और कुछ भी नहीं है यार अभी करने के लिए, तो मैं कहा भाई जब कुछ होता नहीं तो कैमरा काम आता है मेरे, एज ऑलवेज मैं कुछ नहीं करता, मैं कैमरा लेकर के बैठ जाता हूँ और बातें करते रहता हूँ आप लोगों से। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए और आप भी इस पर इंटरेक्ट करके और कुछ बात करें। तो बस यही था, और करा करो यार आप लोग इंटरेक्शन, करा करो बस इंटरेक्शन करोगे तो यार मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो इंटरेक्ट कर रहा है अपने, कि मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, और ऐसा मेरे को फील आया कि हाँ मैं सही में किसी से बातें कर रहा हूँ, आगे कोई है। तो बस यही था, यही कर रहा हूँ। और जो हमारे 2 जने थे जो आए थे वो भी यहाँ पे हैं, वो कहीं पे भी नहीं गए। एक तो ये राहुल, तो ये राहुल है, और दूसरा बाहर है, दूसरा आएगा तो देखिएगा दूसरा कौन है, कौन है दूसरा? दूसरा जितेश है, जिसका चेहरा भी दिखाएंगे आपको। हम 3 जने आए आज, कितने जने? हम 10 जने करीब, 10 में से हम 3 जने आए आज। अच्छा लगा देख के कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, अब तक मेरे को लग रहा था कि मैं अकेला हूँ लेकिन अकेला नहीं हूँ। और ये जितेश, तो ये जितेश था। और बस देखते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। नाउ 8:38, मैं पूरी तरह फ्री हो गया
और छुट्टी हुई हमारी 5 बजे, 5 बजे हम लोग घर जाएंगे। बाकी तब तक यहीं पे घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं करने को, तो बस यहीं पे टाइम पास करना है। तब तक सुबह से वही करता आ रहे। हाँ, ऐसी बात नहीं है, पूरा टाइम पास किया है, क्लासेस भी लिए, आज क्लासेस भी थी हमारी, लेकिन हाँ मेन तो टाइम पास ही हुआ है आज। बट ये चीज़ सही थी कि कहाँ क्लासेस शुरू हो गई और हम भले ही 3 जने थे लेकिन सर ने वही पूरा पढ़ाया हमें जितना पढ़ाते थे वो। तो यस, ठीक तो सब। बच्चे साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी क्योंकि अभिषेक को बुक्स लेनी थी, तो वो वहाँ पे चला गया। और उस टाइम पे मेरी क्लास चल रही थी तो मैं उन लोगों के साथ था नहीं, तो मैं जा रहा हूँ अब। और फिर वापस उन लोगों के साथ मिल करके वही जो हमारी चलती रही बातें। एक बात तो सही है, स्कूल के दोस्त होते हैं, मतलब यहाँ से पे जितने भी लोगों से मिला ना इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन ये जो हम 4 जने थे, हम चारों अपने आप में बस समझ लो बस काफ़ी थे पूरा दिन निकालने के लिए। तो बस ऐसा ही है वो सीन, और चलेंगे अब बस यहाँ से आधे घंटे बाद घर। जो मैंने सोचा था वो हो नहीं पाया, मेरे को लगा था कि हाँ आज का जो व्लॉग बनेगा वो बहुत तगड़ा वाला बनेगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया इसके अंदर। इससे बढ़िया तो मैं मानता हूँ कि मैंने जो वो बनाया था क्या नाम से गिरिराज जी की यात्रा का, वही ज़्यादा अच्छा बन गया था, क्योंकि उसके अंदर जो मेरे साथ थे भैया और उनके साथ मैं इतना खुला मिला हुआ हूँ कि मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं कुछ अलग से कर भी रहा हूँ। और वैसे भी इस चीज़ का मेरे को बहुत सारा शौक है, तो मेरे को कुछ मतलब डिफरेंट सा लगा नहीं। बट यस, आज मतलब थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा था कि हाँ यहाँ पे कुछ शूट कर रहा हूँ मैं आकर के, और इस तरह से तो इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस बोल भी नहीं पाया और इस तरह से बात है। तो बस यही था कुछ सीन, और इसी वजह से ज़्यादा अच्छा बन नहीं पाया ये ब्लॉग। अगली बार फिर ट्राई करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा बने और आप लोगों को ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ मिले। बस इस आदमी के साथ बैठे रहो बस, और मतलब दिन भर हंसते रहोगे। बस यही था हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे, और यहाँ से हम चल जाएंगे घर। तो इसके बाद कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बस बहुत है आज के लिए, इतना ही करते हैं इस ब्लॉग को एंड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस यही था आज का।